बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में है। फिल्म रिलीज से पहले ये दोनों पहुंचे मंगलवार को उज्जैन में रणबीर और आलिया महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपने एक बयान के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आलिया और रणबीर को महाकाल का दर्शन करने नहीं दिया। क्या है रणबीर और आलिया को लेकर ये बड़ी खबर, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंगलवार शाम को महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना दर्शन किए ही मंदिर से वापस लौटना पड़ा। सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। दरअसल आलिया, रणबीर और अयान मुखर्जी के आने से पहले ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के मुख्य और VIP शंख द्वार पर जोरदार हंगामा कर दिया था, जिसके बाद रणबीर, आलिया और अयान मुखर्जी तीनों को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुँचना पड़ा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता रणबीर और आलिया को काले झंडे दिखाने के इरादे से पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को सुलझाया। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि रणबीर कपूर खुद बता चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं, ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है, प्रशासन को जवाब देना होगा। बता दें कि अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितम्बर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय सहित कई बड़े स्टार शामिल है। इसके साथ ही बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान भी कैमियो करते नजर आएंगे। इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और बॉलीवुड को भी इस फिल्म से काफी उम्मीद है, क्योंकि पिछले काफी समय से बॉलीवुड की फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है। इस फिल्म को रणबीर कपूर के लिए भी काफी लकी माना जा रहा है, क्योंकि रणबीर और आलिया शादी के बाद पहली बार एक साथ इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र का बजट 300 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है और ये भारत की सबसे बड़े बजट की फिल्मों में से एक है। ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज से पहले ही 1 लाख से अधिक टिकट की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि ये फिल्म शानदार कमाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज, मुंबई।